अमित टंडन की स्टैंड अप कॉमेडी देखने वाले हैं। आई एम बोर्ड, आई एम बोर्ड टू डेथ। तो मैं स्टैंड अप कॉमेडी एक्सप्लोर करी थी रिसेंटली। मैंने दो तीन बहुत ही अच्छे कॉमेडियंस निकाले हैं। अमित टंडन की दो वीडियोज इससे पहले मैंने देखी हैं, तीसरी मैंने सोचा कि मैं आपके साथ शेयर करूँ। BTS एंड शॉन समथिंग करके दो सिंगर्स। BTS ऑब्वियसली साउथ कोरियन बैंड है, म्यूजिकल बैंड है, बिगेस्ट म्यूजिकल बैंड है और हमारी जेनरेशन के सिंगर्स हैं। उनके बारे में इनका कोई कॉमेडी है जिसको मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ और करूँगी, और फिर देखते हैं कि क्या तुमको मज़ा आ रहा है, तुम इंटरेस्ट ले रहे हो। ये एक एक्सपेरिमेंट कह लो, मुझे नहीं पता तुम लोग। अमित टंडन, मैं नाम पे हंसी थी स्टार्ट में, उनको सुनते हो, उनको देखते हो, और ये मिडिल एज मैन है, ही इज़ इन हिज 40s 50s। मैं बहुत ही फैसिनेट हूँ इस बात से कि ये स्टैंड अप कॉमेडी कर रहे हैं, समझ आ रही है। बाहर चलता है, हमारे रीजन में इट्स क्वाइट फैसिनेटिंग। तो आई एम ऑलरेडी हुक्ड अप, आई एम ऑलरेडी इंटरेस्टेड, कीन टू नो क्या है लड़के का डील, अंकल का डील। हाँ तो चलो चलो बातें करेंगे बाद में, लेट्स डाइव इन। थ्री टू वन। बट इनकी लैंग्वेज नहीं समझ में आती मुझे, लैंग्वेज नहीं समझ आजकल के बच्चों आती। की नहीं समझ में आती। एक दिन हम बैठे हुए, आई क्रैक्ड अ जोक एंड शी सेड नो दैट्स सो फनी लॉल। मैं कहा लॉल तू बोली क्यों, तू जोर के हंस देती। लॉल तो लिखने की चीज होती है, लॉल इज लिखने लाफ की आउट चीज लाउड होती राइट। है। लॉल तुम लिखते हो ना, ये तो ये कोई बोलने की चीज थोड़ा ना, तुम सामने बैठे हो हंस दो। माई बिगर प्रॉब्लम इज विद माई डॉटर, यू नो माई डॉटर, वो स्कूल में टॉपर है पर घर आके रोडीज देख रही होती है। तो ना IQ ही नहीं प्लेस हो रहा, कहाँ है उसका। एंड आई टॉक टू माई डॉटर मच मोर देन आई टॉक टू माई सन, यू नो, बिकॉज आई नेवर हैड अ सिस्टर, सो आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड हाउ अ टीन एज गर्ल थिंक्स। सो आई टॉक टू माई डॉटर बिकॉज आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड हाउ अ टीन एज गर्ल थिंक्स। आई डोंट टॉक टू माई सन बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू अंडरस्टैंड हाउ अ टीन एज बॉय थिंक्स। सी आई हैव बीन अ टीन एज बॉय माई सेल्फ, आई डोंट इवन वॉन्ट टू थिंक वॉट आई यूज टू थिंक। सो आई टॉक टू माई डॉटर, नाउ आई अंडरस्टैंड वॉट काइंड ऑफ बॉयज टीन एज गर्ल्स लाइक, यू नो, सो नाउ आई अंडरस्टैंड वाई आई नेवर हैड अ गर्ल फ्रेंड एंड आई वॉज अ टीन एज। बट इनकी लैंग्वेज नहीं समझ में आती मुझे, आजकल के बच्चों की नहीं समझ में आती। एक दिन हम बैठे हुए, आई क्रैक्ड अ जोक एंड शी सेड नो दैट्स सो फनी लॉल। मैं कहा लॉल तू बोली क्यों, तू जोर के हंस देती। लॉल तो लिखने की चीज होती है, लॉल इज लाफ आउट लाउड राइट। लॉल तुम लिखते हो ना, ये तो ये कोई बोलने की चीज थोड़ा ना, तुम सामने बैठे हो हंस दो, ये सिर्फ लिखने की चीज। जैसे हमारे जनरेशन में भी कई चीजें सिर्फ लिखने की थी राइट। हमारी जनरेशन का कोई मिलता है किसी को फेथफुली योर्स, योर्स ट्रूली। वो कहती नहीं पापा हम तो लॉल बोलते हैं, LUL भी बोलते हैं, लेम अंडरस्टेटेड लाफ्टर, लमाओ भी बोलते हैं, लाफ माई एस ऑफ। इट्स लाइक लमाओ बोलो वो बनता है क्योंकि वो करोगे तो ऑड लगेगा, बट लॉल तो मत बोलो, जोर के हंस दो, बिकॉज माई प्रॉब्लम इज ये लोग हो रहे हैं बड़े, कल को आएंगे मेरे शोज पे। अब मैं जोक सुना रहा हूं, हाँ बट मैं जोक सुना हूं सारे लॉल 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 लॉल। अंदर शो चल रहा है, बाहर लोगों को लग रहा है बंगाली शादी हो रही है। Then my daughter has those, you know, boy band crushes. तो एक तो वो है क्या नाम उसका, शॉन मेंडिस, और एक BTS, right? BTS, you guys know BTS, right? Everybody knows BTS. Shawn Mendes, जिनको नहीं पता, Shawn Mendes is a Canadian singer, very good singer,
ही इज अ बेटर लुकिंग एंड मोर टैलेंटेड वर्जन ऑफ जस्टिन बीबर. योर क्या नाम है उसका, जस्टिन बीबर. उससे बेटर लाइक अच्छा लगता है मुझे भी, ऐसी बात नहीं. फिर BTS इज अ के पॉप बैंड, कोरियन पॉप बैंड. लाइक इट्स बिग, इट्स वेरी बिग. लाइक इफ यू हैव अ डॉटर एंड यू डोंट नो के पॉप, देन यू डोंट नो योर डॉटर. आई एम टेलिंग everybody follows K-pop, everybody follows. तो BTS में 7 सिंगर हैं, बड़े अच्छे गाने गाते हैं, 7 कोरियन सिंगर हैं, बहुत यू नो बॉय बैंड है, अच्छा है. बट विद देम आई सी द डिफरेंस बिटवीन अ फैन बॉय एंड अ फैन गर्ल. लाइक माई सन इज अ फैन ऑफ विराट कोहली, विच मीन्स कि विराट कोहली के उसके पास 2-3 पोस्टर्स हैं, वो उसके वीडियोज़ देखता है, वो यू नो उसको फॉलो करता है इंस्टाग्राम पे, स्टैट्स पता है. माई डॉटर इज अ फैन ऑफ शॉन मेंडिस एंड BTS, विच मीन्स कि इन 8ों का बर्थडे हमारे घर में मनाया जाता है. इन 8ों का केक कटता है, इनका 8ों का केक बनता है, मेरी बेटी खुद बनाती है, मेरा केक बाहर से ऑर्डर होता है. तो पता है कितना गुस्सा आता, मन करता है शॉन मेंडिस का केक आदमी गर्दन से काटे. बट देयर इज अ पॉजिटिव साइड, देयर इज अ पॉजिटिव साइड, क्योंकि है क्या, जैसे शॉन मेंडिस जो है, मैं ही इज अ बिग फैन ऑफ हैरी पॉटर एंड हाँ मजा सकता मुझे नहीं तो मेरी बेटी जो है ना, वो कभी बुक्स नहीं पढ़ती थी, मेरी बेटी कभी बुक्स नहीं पढ़ती थी, बट व्हेन शी केम टू नो कि शॉन मेंडिस इज अ बिग फैन ऑफ हैरी पॉटर, उसने 6-7 किताबें हैरी पॉटर वाली 1 महीने में सब खत्म कर दी. के पॉप के चक्कर में उसने कोरियन सीखनी शुरू की है. सी पिछले 1.5 साल से लगी हुई है, 2 साल से वो प्रॉपर लैंग्वेज वैंग्वेज सीख रही है, वो आजकल ग्रामर सीख रही है, ग्रामर, कोरियन ग्रामर. तुम सोच रहे हो, मतलब किताब खरीदी है मैंने 3,500 की, तो मुझे पता है इसलिए. इट्स नॉट ईजी, लाइक तुमको व्याकरण याद नहीं होगा हिंदी का, वो प्रॉपर ग्रामर सीख रही है, वो कोरियन कल्चर सीख रही है, वो घर में कोरियन डिशेज बना रही है, किमची सैलेड और पता नहीं क्या क्या बन रहा है हमारे घर में. लाइक कभी कभी डर भी लगता है कि मैं किसी दिन घर जाऊं, वो रेड कलर की ड्रेस और काले रंग का मास्क लगा के बैठी हो कि पापा आज स्क्विड गेम्स खेलेंगे हम. बट वो ये सब सीख रही है. तो हमारा क्या होता है कि एज पेरेंट्स हम होते हैं सन की, हम सब सन की हैं पेरेंट्स. हम हर जगह तुम्हारा करियर ही सेट कर रहे हैं बच्चों का, हर जगह. 3 साल का बच्चा स्टेथोस्कोप भी उठा लेता है ना, वी आर लाइक डॉक्टर बनेगा. तो अब उसने इतनी लैंग्वेज कल्चर सीख लिया, तो अब मुझे कि कम से कम कोरियन टूरिस्ट की गाइड तो बनी सकती है. मैं तो अब इनकरेज कर रहा हूँ, मैं तो अब उसको बीच बीच में पूछता रहता हूँ, बेटा गेटवे ऑफ इंडिया को क्या कहते हैं कोरियन में. देखो उम्मीद जाग गई है हमारी, अब तो मैं और बॉय बैंड्स भी ढूंढ रहा हूँ कि जिनके गाने भी अच्छे हों और कैलकुलस भी. और दूसरा इनके साथ हमें ये भी होता है कि यू नो बिकॉज टीनेज इज अ डेलिकेट एज, यू नो दिस इज द एज व्हेन दे स्टार्टेड गोइंग आउट फॉर पार्टीइंग, यू नो रात को थोड़ा सा लेट आएंगे या स्लीप ओवर के लिए जाएंगे यू नो अपने फ्रेंड्स के घर. तो ये एज वो भी है जब हमें समझाना है कि सही और गलत का फ़र्क, राइट, कि ये करना, इस चीज़ का ध्यान रखना. बट दिस इज ऑल्सो द एज वेयर दे हैव स्टॉप्ड लिसनिंग टू यू, राइट. यही है जब हम सुनाना चाहते हैं पर वो सुन ही नहीं रहे. लाइक तुम बिठा लो बच्चे को, उसका म्यूट बटन ऑन हो जाता है उसी टाइम, राइट, नहीं सुन. और सभी सभी के साथ होता था. लाइक हम भी जब टीनेजर थे, हम भी पेरेंट्स की बात नहीं सुनते थे. हमारी जनरेशन वालों को किशोर कुमार और मोहम्मद रफ़ी 18-19 की एज में पसंद आना शुरू है, क्योंकि पहले पेरेंट्स बोलते रहते थे कि किशोर कुमार सुन के देखो, तुम्हें पता चलेगा क्या होता है सिंगर. यू आर लाइक डैडी आपको नहीं पता. बट देन यू आर 18-19, यू आर इन द हॉस्टल, यू हैव योर फर्स्ट ब्रेकअप, तुम्हारा दोस्त ओल्ड बॉन्ग बना के लाता तुम्हारे और पीछे गाना चलता है चिंगारी कोई भड़के. तू ही मेरा दोस्त है किशोर. तो हम भी तभी सुनते. तो अब हम बच्चों को समझाने के तरीके ढूंढते रहते हैं.
राइट, कि किसी तरह उनको समझाएं गलत क्या है सही क्या है. सो वन डे आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी वेयर यू नो माई डॉटर वॉज वॉचिंग सम टीनेज रोमांटिक सीरीज ऑन नेटफ्लिक्स, ड्रॉइंग रूम में बैठी हुई देख रही थी. एंड उसमें वो सीन चल रहा था कि एक लड़की यू नो थोड़ी सी कॉन्शियस है, 15-16 साल की, पहली बार तैयार होकर मिडिल क्लास की घर की लड़की जा रही है किसी पार्टी में. एंड आई सॉ दिस सीन हैपनिंग, आई वाज लाइक अरे ये तो मुझे पता है, ये तो बहुत बार आता है, बहुत सीरीज में आता है सीन की एक लड़की कॉन्शियस होके पहली बार तैयार होके जा रही है किसी पार्टी में, थोड़ा मेकअप वेकअप करके जा रही है. वो जा इसलिए रही है क्योंकि एक लड़के के घर में पार्टी है जो स्कूल में नया नया आया है, जो देखने में क्यूट है पर अंदर से कमीना है. राइट, तो उनको पता है कि ये जाएगी वहाँ पे, पार्टी चल रही होगी वहाँ पे, ड्रिंक्स होएगी, वो इसको पिलाने की कोशिश करेगा, इसको कुछ पिला देगा, फिर इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगा. तो जैसे ही ये फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगा, मैं खड़ा हो जाऊँगा कि ये देखो यही करते हैं ये. तो लाइक परफेक्ट, मैं बैठ जाता हूँ, जैसे ही वो सीन आएगा मैं खड़ा हो जाऊँगा, यही करते हैं ये. दैट्स वॉट माई मदर डज व्हेन शी इज़ वॉचिंग क्राइम पेट्रोल. ऐसे ही काट जाते हैं गला, जो तुम जोर जोर के पैसों की बात करते हो ना ड्राइंग रूम में बैठ. मैं बैठ गया, मैं रेडी, मैं अपना पूरा डायलॉग के साथ. अब वो सीन चल रहा है, वो लड़की गई अंदर, वो द बॉय ग्रीटेड हिम, यू नो अंदर ड्रिंक्स विंक्स चल रही है, अंदर पार्टी चल रही है, लाइक परफेक्ट. वो लड़की ने, लड़के ने उसको ग्रीट किया, कहता हाउ आर यू, शी सेड आई एम फाइन, फिर वो चला गया. तुमने तेरे मैनर्स कहाँ है, ड्रिंक्स विंक्स तो पूछ इसको. फिर वो दो मिनट बाद आया फिर से, मुझे उम्मीद बनी कि मेरा आएगा. अगेन ही सेड कि यू नो हैव समथिंग, शी सेड नो नो नो, यू लूजन अप, सेड नहीं नहीं आई एम फाइन, वो फिर चला गया. अब मैं होप लूज कर चुका हूँ ऑलमोस्ट. तभी तीसरी बार वो लड़का आया, अब उसके हाथ में ड्रिंक थी और क्लियरली उसमें कुछ मिक्स वो रखा था. वो आया पूरा इंटेंट से, वो ग्लास उसने लिया, उसको पकड़ाने लगा. वो लड़की कहती नहीं, कहता ले ले थोड़ा सा, यू विल लूजन अप, लाइक नो नो नो, उसके मुंह को लगाने लगा कि ले ले, कह रही नहीं. तीसरी बार उस लड़की ने ग्लास फेंका, लड़के को थप्पड़ मारा और बाहर निकल गई. नाउ आई एम डिसअपॉइंटेड, मेरा डायलॉग ही नहीं आया. बट अब मैं फंस गया, अब तो बैठा हूं, अब तो मैं देख रहा हूं, पूरा देखना पड़ेगा. वो लड़की निकली बाहर थोड़ा रोती रोती, वो घर गई, उसने बेल बजाई, उसके फादर ने दरवाजा खोला, एंड शी हग्ड हर फादर एंड रियली स्टार्टेड क्राइंग. तो आई वाज लाइक चलो और कुछ नहीं तो एक बाप बेटे का मोमेंट तो बना, बाप बेटी का मोमेंट तो बना. वो और वो वी आर वॉचिंग, वो लड़का मतलब द गर्ल इज हगिंग हर फादर, शी इज क्राइंग, बट देन शी लुक्स ओवर हर फादर्स शोल्डर एंड रियलाइजेज दैट हर फादर इज चीटिंग ऑन हर मदर. And there's another woman in the room. उतने में मेरी वाइफ पीछे से निकल, यही करते हैं ये आदमी लोग. बेटियां बड़ी बड़ी हो गई पर इनका नहीं खत्म हो रहा. थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो. ये मसाला सैंडविच मेरा जो काफी देर तक चला है शो का एक पार्ट है. बहुत ही हमको पता है कि लो की म्यूजिक होता है, लो वाइब म्यूजिक होता है, बहुत ही लो वाइब हल्की फुल्की हंसी वाला कॉमेडी, हल्की फुल्की हंसी, लाइक ये नहीं कि बहुत फनी नहीं, इट्स लाइट कॉमेडी, फैमिली कॉमेडी, बहुत ही फैमिली के साथ बैठ के छोटे मोटे लाइफ रिलेटेड, फैमिली रिलेटेड, रिलेशनशिप्स, अम्मा अब्बा, बहन भाइयों का, उसके बारे में जोक्स, रेगुलर जोक्स, रेगुलर रूटीन में द थिंग्स दैट वी फाइंड फनी, उसको लेकर के इस तरह से डिलीवर किया गया कि आपको मज़ा आता है. आप ये है कि एंगेजमेंट इनका अच्छा है, टंडन अमित टंडन का एंगेजमेंट अच्छा है, देखने में आप निकाल देते हो वीडियो के, चलो क्या कह रहे हैं यार, क्वाइट अमेजिंग. नींद आ रही थी, अब हम आज मैं बैठी हूँ तो मैं ज़्यादा सारी कॉमेडी देखूंगी और अभी हम अपग्रेड करेंगे, मेरी नींद जानी चाहिए, लाइक कुछ अच्छा, लेट मी फाइंड समथिंग बेटर. सब्सक्राइब ऑल्सो, सजेस्ट मी योर फेवरेट स्टैंड अप कॉमेडियन.
उसको मैं देख के मुझे पता लगे क्या तुम क्या देख रहे हो, तुम क्या सुन रहे हो, क्या तुम्हारा टेस्ट है, क्या तुम इंजॉय करते हो। अपना बंदा कमेंट में दो मुझे भाई।